नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और ये साल चल रहा है शुक्र का, तो 12 तारीख की रात्रि लगभग 7:30 बजे चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाएंगे, गोचर करेंगे। राहु चंद्र की आपसी जो शत्रुता होती है तो दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे, यानी चंद्रमा और राहु की आपसी शत्रुता है तो दोनों ग्रह एक साथ हो जाएंगे, तो लाभ और हानि दोनों ही यहाँ पर आपकी राशि को हो सकती है, जिसका क्या परिणाम आपके जीवन पर होगा इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। राहु केतु से अधिक घातक होते हैं, यानी राहु जो है थोड़ा ज्यादा खतरनाक होते हैं केतु की अपेक्षा। राहु सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाने की हिम्मत रखता है, बाकी किसी ग्रह की इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो राहु चंद्र का ग्रहण दोष आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, 12 तारीख की रात्रि 7:30 बजे से लेकर 13, 14 तारीख और 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक यह ग्रहण दोष आपके अलग अलग भावों में बनेगा, हर एक राशि के अलग अलग भावों में, तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, राहु एक अशुभ ग्रह है, अशुभ और शुभ का मिलन आपके जीवन में क्या लेकर आएगा इन तारीखों में, आइए जानते हैं। तो ये जानकारी सूर्य राशि और चंद्र राशि पर आधारित होगी। राहु चंद्र जो है व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं, राहु का काम है भ्रमित करना और राहु भ्रमित करके आदमी को भटका देते हैं, और चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा पर जब राहु का प्रभाव चढ़ता है, उसका जहर चढ़ता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति दिमाग को इस्तेमाल में सही तरीके से नहीं लाता है और भ्रमित होकर गलत फैसले ले लेता है। फिर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ शुभ भी होगा। आगे का वीडियो देखिए, ये वीडियो आपकी राशि का होगा और आप अपनी राशि के बारे में जानें कि इन तारीखों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अभी से ये मत सोचिएगा कि बुरा होने वाला है और अभी से ये भी मत सोचिएगा कि अच्छा होने वाला है, वीडियो देखने के बाद खुद जज करिएगा कि क्या होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी दबा दें, और इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातक जातिकाओं की। तो आप अपनी गोचर कुंडली पर एक बार विचार करें, ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है, राहु और चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव में जब ये राहु और चंद्रमा बैठेंगे तो स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ सावधानी रखेंगे तो स्थिति इतनी ख़राब भी नहीं है। छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहेंगी, इसका जो हल होगा, परेशानियों का जो निवारण होगा वो आप ही के पास होगा। आप अपनी परेशानियों के हल के लिए इधर उधर भटके नहीं, अपनी परेशानियों का हल शांति से बैठकर ढूंढेंगे तो आप ही के पास से परेशानी शुरू होगी और आप ही के पास उस परेशानी का अंत होगा। इधर उधर लोगों से पूछेंगे कि मुझे ये समस्या इसका हल बता दो, तो कोई हल बता नहीं पाएगा क्योंकि कोई आपकी परेशानी को समझ नहीं पाएगा। तो शांति से अपनी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करिएगा। आप अपने परिवार को लेकर बहुत ही सजग होंगे, परिवार के एक एक सदस्य की आपको इस समय में चिंता होगी कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसकी नौकरी अच्छी है, किसकी बुरी है, किसको कोई तकलीफ है, यानी आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के बारे में खूब सोच विचार करेंगे और परिवार की चिंता भी बनी रहेगी। जो परिवार में संपन्न है उनसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो संपन्न नहीं है, जिनको कोई दिक्कत है, तो उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए आपके मन में विचार आते रहेंगे। आप हमेशा परिवार की उन्नति के बारे में सोचेंगे, परिवार के लोगों की तरक्की के बारे में सोचेंगे, आप नरम दिल के इंसान होंगे। कुल मिलाकर आपके पास पैसा नौकरी व्यापार से आएगा, लेकिन आपके खर्चे भी दिल खोल कर होंगे। तो माता जी से कोई तनाव या झगड़ा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप परिवार को लेकर चिंतित हैं, परिवार के सदस्यों को लेकर चिंतित हैं, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई घर का व्यक्ति अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और आप जो नौकरी या व्यापार करते हैं उससे आपको धन मिलने वाला है, उसमें लाभ होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अपने काम के साथ साथ परिवार की चिंता में भी वक्त बिताने वाले होंगे। माता जी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई तनाव नहीं होनी चाहिए, कोई गिला शिकवा है तो उसको दूर कर लीजिएगा वक्त रहते हुए, माता जी से या माता समान किसी भी स्त्री से। राहु चंद्र की युति जो है आपको मानसिक
सुखों को थोड़ा सा कमजोर कर देती है। जो आप कोई मानसिक सुख है वहां थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। आप अपने धन को आता हुआ देखेंगे, कमाते हुए देखेंगे और बहुत अच्छी मेहनत करके आप अपने धन को कमा रहे हैं, लेकिन जब आपको उस धन को खर्च करने की बारी आएगी, उसका लाभ लेने की बारी आएगी, तो पता चलेगा कि किसी और को जरूरत पड़ गई तो उसके लिए आप खर्च कर देंगे, या आप जब अपने लिए कुछ लेने गए तो आपको मिला ही नहीं। तो कुल मिलाकर कमाई आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने ही धन का उपयोग अपने लिए इस समय में नहीं कर पाएंगे। आपसे पहले ही 10 और खर्चे खड़े होंगे, पहले वहां खर्च करिए फिर अपने बारे में सोचिए। तो ये भी आपको एक निराशा हो सकती है कि एकदम से खर्चे बढ़ गए लोगों की जरूरतों के ऊपर। तो आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी, आप लोगों का भी खर्चा करेंगे, उनका भी भरण पोषण करेंगे और अपना भी कर लेंगे, लेकिन निराश फिर भी रहेंगे। पैसा होगा लेकिन पैसा जरूरत पड़ने पर हाथ नहीं आएगा आपके लिए। आप वाहन इत्यादि पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं, हो सकता है कोई अपनी अपनी लिमिट से ज़्यादा कोई मोटा वाहन खरीद ले, बड़ा वाहन खरीद ले। शौक में आप 10 की जगह 15 लाख लगा दें, लोन लेना पड़ जाए आपको, या आपका कोई वाहन है उसको आप मॉडिफाई कराने में, उसको सुंदर बनाने में कोई पैसा लगा दें, या आपका कोई वाहन है, एक दो वाहन है जो खराब हो गए, अब उनकी मरम्मत में इस समय में बहुत पैसा लग रहा है जिससे बजट बिगड़ जाए, और इन खर्चों के बारे में पहले से कोई अंदाजा ना हो। अभी बस समझ लीजिए कि ये गोचर शुरू हुआ, उसी दिन हो गया या 2 घंटे पहले हो गया, पता चला गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में 10,000 का खर्चा आ गया। इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके पास सब कुछ होगा, घर होगा, परिवार होगा, पैसा होगा, लेकिन टेंशन इतनी होगी कि खुशी नहीं होगी, मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी और आप आनंद से रह नहीं पाएंगे और चिंताग्रस्त जीवन हो जाएगा। आप धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, आप किसी को धन और वाहन या कोई भी अपनी चीज छोटी या बड़ी उधार देने की कोशिश ना करें और बेवजह उधार लोगों से भी ना लें, नहीं तो परेशानियों में फंस सकते हैं। तो अपने वाहन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर गैस एसिडिटी की समस्या है तो इन दिनों में बहुत तेजी से बढ़ सकती है, तो आपको पहले से ही अपनी खाने का ध्यान रखना होगा। मन में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसे दुख की कहानियां याद आएंगी जो पिछले दिनों में हो चुकी हैं, यानी आप अपने भूतकाल को याद करेंगे। आप पुरानी जिंदगी की चीज़ों को याद कर करके लोगों को कहानियां सुनाएंगे कि मेरा बचपन ऐसा था, जब हम छोटे थे तो हमारे पास खाने को नहीं था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, हमने बड़ी मेहनत से ये किया, हमारे घर में ऐसा था, उसके घर में वैसा था, यानी अपनी पुरानी जिंदगी की कहानियां या तो मन में दोहराएंगे या फिर किसी को सुनाएंगे, जिससे आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं और क्योंकि आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा सोचेंगे। माता जी के जोड़ में दर्द हो सकता है या उनको कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो वहां पे तकलीफ हो सकती है। ओवरऑल माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। कई बार आपका यहाँ पर चंद्र और राहु का होना आपको घर से दूर करा देता है, यानी आपको ट्रांसफर हो सकता है कुछ समय के लिए, या आपको थोड़े दिनों के लिए दूसरी एरिया में भेजा जा सकता है काम करने के लिए, या फिर आप काम में इतने मस्त और इतने व्यस्त हो जाएं कि इतना काम हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका ऑफिस में बीत रहा है, चाहे घर से काम कर रहे हैं तो भी कंप्यूटर छूट नहीं रहा। ऐसी स्थिति में बस आप परिवार के साथ हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन मानसिक तौर पर आप अपने काम से जुड़े हुए हैं तो परिवार वालों से भी कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं होगा। इस समय में दूरी हो सकती है और हो सकता है व्यापारी हैं तो यात्रा वगैरह हो जाए, घर से दूर रहें, रात भर काम करना पड़े और घर कम आए या घर वालों से कम बातें हों, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। तो आप अपनी मानसिक चिंता के कारण थोड़े से व्यस्त रहने वाले हैं। हो सकता है कार्य व्यापार के में भी आपको थोड़ी सी चिंता का सामना करना पड़े, आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ लादा जा सकता है काम का। हो सकता है कोई आदमी छुट्टी चला जाए, कोई आदमी की परफॉर्मेंस सही ना हो तो उसका भी काम आपको इस समय में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा गुस्सा और टेंशन भी होगा कि भाई मेरे ऊपर इतना काम लाद दिया, मैं कैसे करूँगा। यही आपकी मानसिक चिंता का कारण भी हो सकता है। आपको मानसिक चिंता, मानसिक परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, खुद को कार्यस्थल पर और परिवार में नकारात्मक विचारों से बचाना होगा। आपकी कार्य क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आप
काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, गलत काम करेंगे, कार्य क्षेत्र में धन हानि होने के साथ साथ सीनियर की डांट खानी पड़ सकती है, जीवन साथी से प्रेम संबंधों में कुछ समस्या हो सकती है, आप अपने जीवन साथी पे बेवजह शक और वहम कर सकते हैं, किसी की कही सुनी बातों में आके अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच इस समय में कमजोर होगी। आपका सोच को ठीक होना बहुत जरूरत है। धन दौलत की कमी नहीं है, काम व्यापार की कोई कमी नहीं है, व्यापार हो या नौकरी हो या शिक्षा हो, इसमें सफलता प्राप्ति के साथ आप अच्छे धनवान होंगे। तो चालाकी पूर्वक अपने काम को करें, योग प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ताकि सही फैसले दिमाग ले सके, जुबान भी सही रहे और भ्रमित ना हो किसी की भी बातों में आकर। आप सजग रहेंगे तो राहु चंद्रमा का यह योग कुछ भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जितना यथासंभव करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, शिव आराधना से भी लाभ मिलेगा। तो आपकी राशि के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन वक्त में छोटे छोटे से कांटे हैं जिनको आपको तोड़ना होगा, हटाना होगा, या इन कांटों को देखकर लंबी छलांग लगानी होगी ताकि आपका कोई नुकसान ना कर सके। तो इसी प्रकार से आप कुछ लाभ ले पाएंगे इन दो ग्रहों की युति का। तो मेरे हिसाब से अगर मानसिक चिंताओं से मुक्ति आपको मिल गई तो फिर आपके लिए यह गोचर पैसा कमाने और पैसे जोड़ने और अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए बहुत ही काफी होगा। हनुमान जी की उपासना भी आप साथ ही साथ करेंगे तो मन को शांति प्राप्त होगी। नमस्कार।